Hello, my dear friends, this is Ajay Mishra and we are going to start our new chapter, that is volcano. What is a volcano? Volcano hai kya? Volcano refers to the eruption of hot molten lava from below the surface of earth. Akhir ye lava kya hota hai aur ye magma kya hota hai? Aapko pata hoga ki magma जो हॉट मेल्टेड मटेरियल्स होते हैं, जो पिघले हुए होते हैं, जो अर्थ की सरफेस पे, अर्थ के अंदर इंटीरियर में, उनको हम मैग्मा कहते हैं। मान लेते हैं ये वोल्केनो है, तो यहाँ पे आपको एक वेंट दिखेगा और नीचे एक चैम्बर होगा जहाँ पे पूरा पिघला हुआ बहुत हॉट मोल्टेन मटेरियल होंगे। ये बाहर निकलते हैं, जब तक ये अर्थ के इंटीरियर में होते हैं तब तक इनको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आते हैं और ये फैलना शुरू कर देते हैं, तो हम इनको लावा कहते हैं। ठीक है, तो ए वोल्केनो इज अ वेंट। तो वोल्केनो है क्या? इट इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा स्टीम एशेस एटसेट्रा आर एक्सपेल्ड। तो कुल मिला के आपको पता है, अभी हमने इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ा था, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ा था। आपको पता होगा कि वहाँ पे जब अर्थ के नीचे जाना शुरू करते हैं सरफेस से, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और एक बेनियॉफ जोन आता है। याद होगा, बेनियॉफ जोन आता है, उस बेनियॉफ जोन पे जब जाते हैं तो उसे पिघलना शुरू हो जाता है। ध्यान से देखेंगे तो ये है आपका फिर से वोल्केनो, है ना, ये मेन जो वेंट है वो दिखाई दे रहा है, ये चैम्बर है, राइट, ये साइड वेंट है, ये स्मोक एंड एशियस क्रेटर। देखिए ये सारा लावा किस तरीके से निकल रहा है। दूसरा फिगर भी एक बार देख लीजिए आप, ये है लावा जो बाहर निकल रहा है, ये क्रेटर कोन है, ये वेंट है, ये मैग्मा है, आपको याद होगा। ये एशेस एंड गैस क्लाउड्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कंबाइंड रूप से वोल्केनो। देखिए ये ध्यान से, ये है मैग्मा चैम्बर, ध्यान से देखें तो एस क्लाउड ये निकल गया, वोल्केनिक बॉम्ब्स, सेकेंडरी कोन, सेकेंडरी वेंट, हाँ, पायरोक्लास्टिक फॉल। जो भी ये मटेरियल बाहर निकलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पायरोक्लास्टिक फ्लो। ठीक है, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वोल्केनो। दो कॉज में मेनली आपको मैंने बताया था उस दिन, जो फर्स्ट कॉज है दैट इज प्लेट बाउंड्रीज एंड सेकेंड इज हॉट स्पॉट्स। हॉट स्पॉट्स आर एबव मेंटल प्लूम और ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं इसमें आपको याद होगा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज एंड डाइवर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में कम से कम एक जो होनी चाहिए वो ओशन होनी चाहिए, दूसरी या तो कॉन्टिनेंटल प्लेट हो या ओशनिक प्लेट हो। एक प्लेट कम से कम ओशनिक होगी तब जाकर के वोल्केनो बनेगा। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे तो आपको पता है लगातार वोल्केनो बन रहे होते हैं। फाइन, तो प्लेट बाउंड्रीज होंगी, प्लेट टेक्टोनिक्स होगा एक रीजन और दूसरा रीजन होगा कौन सा, हॉट स्पॉट्स होते हैं जो मेंटल प्लूम के ऊपर होते हैं। यही दो कारण है मेन जो वोल्केनो बनाते हैं। नाउ लेट्स गो फॉर द टाइप ऑफ वोल्केनो। अगर हम टाइप पे ध्यान दें तो आप देखेंगे तीन तरीके के वोल्केनोज हैं यहाँ पे। एक है एक्टिव वोल्केनो जो पीरियड के हिसाब से बनता है। देखिए अगर हम तीनों को टाइम पीरियड के हिसाब से देखें, हाँ, तो एक्टिव वोल्केनो वो है
जो 10,000 सालों में कम से कम एक बार तो एरप्ट हुआ ही है। एक्टिव वोल्केनोज आर वंस दैट हैव एरप्टेड इन द पास्ट 10,000 ईयर्स एंड दैट आर लाइकली टू एरप्ट अगेन, एंड एग्जाम्पल इज माउंट सेंट हेलेंस। ये जो माउंट सेंट हेलेंस है यूएसए में, ये एक एक्टिव वोल्केन है। वाई? बिकॉज ये पिछले 10,000 ईयर्स में ये लगातार एक्टिव रहा है। डोरमेंट वोल्केनो दैट हैव नॉट एरेप्टेड इन लास्ट इन पास्ट 10,000 ईयर, जो 10,000 सालों में इनका हुआ नहीं है कभी, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, जैसे माउंट रेनियर एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जो अभी नियर किसी भी हिस्ट्री में कभी, ये इनके अंदर कोई भी इस तरीके का विस्फोट नहीं हुआ और ना ही कोई प्रोबेबिलिटी है। माउंट असिटाका इन जापान, इनको एक्सटिंक्ट वोल्केनो माना जाता है, लेकिन ये जो कंपार्टमेंटल टाइट कंपार्टमेंट डिवीजन है, दैट इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो डोरमेंट वोल्केनोज हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं, है ना, और जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो है वो भी डोरमेंट हो गए हैं। तो इस तरीके का जो डिवीजन है वो पॉसिबल नहीं। फिर भी हमारी आंसर राइटिंग के लिए, यूपीएससी के लिए, तीनों को ध्यान में रखना है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। डोरमेंट मतलब सोता हुआ, एक्टिव मतलब जागता हुआ, एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो गया हो। अगर हम इनके एरप्शन के बेस पे देखें, टाइम पीरियड को ध्यान में न रखें, तो एरप्शन के बेस पे इनके लैंडफॉर्म जो डिज़ाइन करते हैं, जो इनका किस तरीके का एक्सप्लोजन होता है, इसमें किस तरीके से मटेरियल बाहर आता है, अगर उसको हम बेस बनाएं, तो तीन तरीके के वोल्केनो जनरली देखे गए हैं। द फर्स्ट टाइप इज शील्ड वोल्केनो। शील्ड वोल्केनो, ये जब लावा बहुत ही प्यार से निकलता है, आराम से निकलता है, तो शील्ड, शील्ड क्या होता है, वॉर में जब तलवारबाजी करते हैं तो एक शील्ड हाथ में लेते हैं, उस तरीके के शेप का ये बनता है, तो शील्ड वोल्केनो बोलते हैं ये। इसमें एक्सप्लोजन कम होता है, ये लीस्ट एक्सप्लोसिव होते हैं और इसलिए ऊपर उठते हैं, मैग्मा पतला होता है, एसिडिक नहीं होता है, बेसिक होता है, तो आराम से निकल करके बाहर फैल जाता है, इसी को बोलते हैं शील्ड वोल्केनो, जब बहुत एक्सप्लोजन ना हो। सिंडर कोन वोल्केनो जो होगा, ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं और इनका जो मटेरियल होता है मैग्मा, वो बहुत ही एसिडिक होता है। इनके बीच में होता है कंपोजिट वोल्केनो, जो शील्ड वोल्केनो और सिंडर कोन वोल्केनो दोनों का कम्बिनेशन कह सकते हैं आप। तो कंपोजिट वोल्केनो इज इक्वल टू शील्ड, इसके शील्ड के भी लक्षण पाए जाते हैं और इसमें सिंडर कोन के भी लक्षण पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसकी खास बात क्या होगी कि एक बार एक्सप्लोसिव होगा, एक बार फिर एक्सप्लोसिव नहीं होगा, आराम से निकलेगा, फिर से एक्सप्लोजन होगा, फिर एक्सप्लोजन नहीं निकला, फिर आराम से लावा निकलेगा। तो एक बार शील्ड बनेगा, एक बार सिंडर कोन बनेगा। इसका मतलब है कि इसमें दो लेयर पाई जाएंगी, एक लेयर पाएंगी बेसिक लावा की, फिर दूसरी लेयर पाई जाएंगी एसिडिक लावा की, फिर बेसिक लावा की, फिर एसिडिक लावा की। तो इनको हम बोलेंगे कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट मतलब दो का जुड़ा हुआ रूप। शील्ड वोल्केनो को थोड़ा और डिटेल में यहां पे एक्सप्लेन किया गया है। द मैग्मा इनसाइड ए शील्ड वोल्केनो इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम एंड इज वेरी फ्लूइड। सिंस द मैग्मा इज वेरी फ्लूइड, द लावा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो टेंड्स टू फ्लो ग्रेट डिस्टेंसेस। व्हेन शील्ड वोल्केनो, द फ्लोइंग लावा गिव्स द वोल्केनो द शेप ऑफ ए जेंटली स्लोपिंग माउंटेन। इसको ठीक से पढ़ लेंगे स्क्रीन को रोक के। कंपोजिट वोल्केनो के बारे में आपको पता ही होगा, थिकर होता है मैग्मा थोड़ा सा, और इसमें लिखा है नहीं लिखा है आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक्सप्लोजन भी होता है और एक्सप्लोजन नहीं भी होता है, दोनों होता है, उसको आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। इसमें सिंडर कोन और शील्ड वोल्केनो दोनों का ये कम्बिनेशन होता है। सिंडर कोन लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ट्रैप्ड इन इट, और इसमें बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ हॉट ऐश एंड लावा थ्रोन आउट ऑफ द वेंट फॉल टू द ग्राउंड फॉर्मिंग द कोन शेप दैट दीज वोल्केनोज हैव। तो ये आप ध्यान से देखेंगे, इसमें एक्सप्लोसिव होता है, वही बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अब पहले भी बात हुई
अगर सिलिका बहुत ज़्यादा है तो एक्सप्लोजन होगा, वाई बिकॉज एसिडिक होगा, अगर सिलिका कम है तो बेसिक होगा। तो सिंडर कोन में एसिडिक होगा, सिलिका ज़्यादा होगी और एक्सप्लोजन ज़रूर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन आप अगेन देखें ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही एरिया जो अर्थक्वेक में हमने देखा था वही वोल्केनो का प्रोन एरिया है, प्लेट टेक्टोनिक्स वाले। एक ओशिनिक प्लेट होगी, दूसरी कॉन्टिनेंटल होंगी, तो ज़्यादा होगा। देखिए ध्यान से, ये देखिए, इसीलिए रिंग ऑफ फायर, ये वाला एरिया पूरा और ये वाला एरिया, हाँ, रिंग ऑफ फायर पाया जाता है पैसिफिक ओशन में। एजोन, एजोन अलोंग द एज ऑफ पैसिफिक ओशन दैट हैज मैनी वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। द हॉर्सशू शेप्ड 40,000 किलोमीटर लॉन्ग बेल्ट इज कैरेक्टराइज बाई हाईली वोल्केनिक एक्टिविटी। द रिंग ऑफ फायर इज ए स्ट्रिंग ऑफ वोल्केनोज दैट रन्स अराउंड द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो एक वोल्केनो का एक स्ट्रिंग है जो पैसिफिक ओशन के किनारे 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 फैला हुआ होता है, और इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये पैसिफिक ओशन के किनारे 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 दिख रहा होगा आपको, इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है। ये देख लीजिए, हाँ, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा हॉर्सशू टाइप का है, ये इसे रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ये पूरे वोल्केनो इसके चारों तरफ पाए जाते हैं, पूरा स्ट्रिंग दिख रहा होगा आपको। नाउ लेट्स गो टू द वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वोल्केनिक लैंडफॉर्म जो होते हैं वो दो होंगे, एक तो होगा इंट्रूसिव और दूसरे होंगे एक्सट्रूसिव। ये एक वेंट है, आपको पता ही होगा, नीचे एक चैम्बर से जुड़े होंगे ये। अब अगर ये चैम्बर में मैग्मा यहीं पे सूख जाता है तो इसे हम बोलेंगे बैथोलिथ। यहाँ से अगर छोटा सा सीधा कॉलम निकल के ऊपर आता है और ये सूख जाता है तो इसे हम बोलेंगे डाइक। अगर ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन शेप में जो मैग्मा है वो भर जाता है साहब, तो इसे हम बोलेंगे फैकोलिथ। फैकोलिथ्स में सिंक्लाइन और एंटीक्लाइंस पाए जाएंगे। अगर ये डूम शेप होते हैं साहब, तो इसे हम बोलेंगे लोकोलिथ। अगर ये प्लेट शेप होते हैं, सॉसर शेप होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सिल्स। तो बैथोलिथ, डाइक, लैकोलिथ, सिल्स एंड फैकोलिथ। यहाँ पे अगर विस्फोट के बाद एक बहुत बड़ा छेद बन जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्रेटर। और अगर छेद बहुत बड़ा हो जाए तो इसे हम बोलेंगे कैल्डेरा। फाइन, तो क्रेटर क्या है? जब जो मुंह होता है, जो मुंह, माउथ बोल सकते हैं इसको, वोल्केनो का वेंट का माउथ बोलते हैं। ये माउथ जब एक्सप्लोसिव वोल्केनिक होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है जिससे जो ऊपर का पार्ट है वो उड़ जाता है, और इसको बोलते हैं क्रेटर। अगर ये बहुत बड़ा क्रेटर हो जाए तो इसे हम बोलेंगे कैल्डेरा। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स।
बैथोलिथ बहुत बड़ा मैग्मा चैम्बर जब अंदर ही ठंडा होके सूख जाता है। डाइक ये है वर्टिकल कॉलम्स ऑफ मैग्मा व्हिच हैव बीन ड्राइड अप, राइट। ये है डूम शेप, लोकोलिथ क्या है, डूम शेप मैग्मा चैम्बर्स। फेकोलिथ क्या है, ये एंटीक्लाइंस एंड सिंक्लाइंस के फॉर्म में होता है। सिल्स क्या होते हैं, सिल्स होते हैं जो सॉसर नुमा एक जो लेयर्स होती है ना, जो रॉक की लेयर्स होती है उसमें ये फिल हो जाता है, भर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सिल्स। ये ध्यान से देखिए थोड़ा और। बैथोलिथ, हाँ ये पूरा बैथोलिथ है। डाइक आपको दिख रहा होगा, सिल्स आपको दिख रहा होगा, लैकोलिथ आपको दिख रहा होगा, ये सारा दिख रहा होगा। पायरोक्लास्टिक डिपॉजिट्स हैं जो बाहर आकर के फैल जाते हैं, उनको पायरोक्लास्टिक बोलते हैं। पायरो मतलब हाई टेम्परेचर वाले मटेरियल्स, ठीक है। दी पिक्चर को आप थोड़ा रोक के ध्यान से देखेंगे, एक बार और देख लीजिए। अब चलते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पे। नाउ इंडिया हैज यूज्ड मॉडिफाइड मर्कैलिस स्केल फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक, सही या गलत? यस करेक्ट। रिचटर स्केल, रिचटर स्केल मेजर्स एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल मर्कली स्केल मेजर्स एक्चुअल इफेक्ट, सही या गलत? सही, मैच करेंगे। डाइक क्या होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सही या गलत? गलत, क्योंकि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। सिल्स क्या होते हैं, स्टैंडिंग कॉलम्स, गलत क्योंकि ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बैथोलिथ ड्राइड मैग्मा चैम्बर्स, बिल्कुल सही बात है, सबसे लोएस्ट होते हैं ये। फैकोलिथ एंटीक्लाइन सिंक्लाइंस स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल सही। सिंडर कोन इज अ वॉयलेंट वॉल्केनो, सिंडर कोन इज अ वॉयलेंट वॉल्केनो, बिल्कुल एक्सप्लोसिव वॉल्केनो, वॉयलेंट वॉल्केनो होता है। सील्ड वॉल्केनो डज नॉट एक्सप्लोड, बिल्कुल सही बात है। कंपोजिट वॉल्केनो हैज वॉयलेंट एंड नॉन वॉयलेंट एक्टिविटी अल्टरनेटिवली, ये बिल्कुल सही बात है। सो थैंक यू वेरी मच। और